बसमिल वरमल वर्क़ा अज़ीज़ तलबा उम्मीद है कि आप सब खैर तो आफ़िर से होंगे अज़ीज़ तलबा मेरा नाम है मोहम्मद उमैर फरीद ए प्लस स्कूल सिस्टम गुजरा कैंट इस्लामियत जमात दहम अज़ीज़ तलबा आज इंशाअल्लाह शजीज़ हम लेक्चर नंबर एक हदीस नंबर 11 पढ़ेंगे हदीस नंबर 11 में नबी करीम सल वसल्लम ने नमाज़ की अहमियत पर ज़ोर देते हुए इरशाद फरमाया असला तोमादुल्दीन नमाज दीन का सतून है वमन अकवा मह फ़त अद्दीन जिसने इसे कायम किया उसने गोया दीन को कायम किया उमन हद फ़त हद्दीन और जिसने इसे ढाया गोया उसने दीन को ढाया अजीज तलबा अबी हदीसी मुबारक का हम तर्जमा पढ़ते हैं नमाज दीन का सतून है जिसने इसे कायम किया उसने गोया दीन को कायम किया और जिसने इसे ढाया उसने गोया दीन को ढाया अर्कान इस्लाम इस्लाम अरकान इस्लाम से मुराद वो बुनियादी या स्तून हैं जिन पर इस्लाम और इस्लामी ज़िंदगी की इमारत खड़ी है जिस तरह एक इमारत सतून के बग़ैर कायम नहीं रह सकती इसी तरह दीन की इमारत भी नमाज के बगैर कायम नहीं रह सकती नमाज इस्लाम का दूसरा अहम रुकन है फर्जियत नमाज इबादात में सबसे पहले नमाज फ़र्ज की गई पाँच वक़्त की नमाज़ नबूत के नौमी बरस शब मराज के मौके पर फ़र्ज़ हुई नमाज के औकात और नमाज का तरीका हज़रत जब अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि सल् वसल्लम को सिखाया नमाज़ ही अज़ीज़ तलबा वो अमल है जिसके जरिए उसका अल्लाह ताला से ताल्लुक़ और रबता क़ायम रहता है जो तरक नमाज से नमाज़ को छोड़ देने से कमज़ोर हो जाता है नमाज़ की ताक़ीद कुरान मजीद में तक़रीबन साढ़े सात सौ मरतबा नमाज का हुम आया है अल्लाह तबारक ताली ने कुरान पाक मरचा फरमायाज़बीमशीआनम इबादी आ मनु यकीम एनबी सल्ह वम आप मेरे बंदों से कह दीजिए जो ईमान लाए हैं कि वो नमाज़ कायम करें एक और मुकाम पर अल्लाह तबारक ताली ने इशाद फरमाया वमर अहला का भी सलाह और अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दें तार की नमाज जहन्नम में जाएगा अल्लाह तबारक ताली ने कुर पाक में इर्शाद फरमाया माँ सला का कुम फ़ी सकर चीज़ ने तुम्हें दो ज़ख्म में डाला एक और मुकाम पर अल्लाह तबारक ताल्शाद फरमाया क़ालम नकुमिनमसद्दीन तो वो जवाब देंगे वो कहेंगे कि हम नमाजी न थे अज़ीज़ तलबा जब जन्नत वाले जन्नत में चले जाएँगे जहन्म वाले जहन्म में चले जाएंगे तो जन्नत वाले अल्लाह ताल से सवाल करेंगे कि अल्लाह हमारे व रिश्तेदार व दोस्त अहबाब वो जो दुनिया में हमारे साथ रहते थे आज हमें जन्नत में नज़र क्यों नहीं आ रहे अल्लाह फ़रमाएंगे कि वह सब जहन्म में हैं तो अहिल जन्नत अल्लाह ताली से कहेंगे कि क्या हूँ देख सकते हैं हम उनसे बात कर सकते हैं तो अल्लाह तबारक व ताली जहन्नम के ढक्कन को उठाएंगे और अहले जन्नत अहले जहन्नम से बातें करेंगे सवाल करेंगे पूछेंगे कि मा सला का कुम्फी सकर किस चीज़ ने तुम्हें जोदख में डाला तो जहन्नम वाले जवाब देंगे क़ाल लम मिनल मुसल्लीन। वो कहेंगे कि हम नमाजी न थे अज़ीज़ तलबाई से साबित हुआ कि नमाज को छोड़ देने वाला जहन्नम में जाएगा बेहयाई और बुराई से बचने का ज़रिया अजीज़ तलबा नमाज ना सिर्फ इंसान के दर्जात बुलंद करती है बल्कि बेहजी और बुराई से भी रोकती है अल्लाह तबारक वाली नेुरान पाक मिरछातर माया उज़मिल्ही मिनशौन इन् नला तन अनिलफ़ इवल मुनकर बेशक नमाज बेही और बुरे कामों से रोकती है अज़ीज़ तलबा नमाज़ की अहमियत अदीस नबी सल्ह वाल वसम की रोशनी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ की अहमियत को बयान करते हुए इर्शात फ़रया कि सला के मरने के बाद जो पहला सवाल होगा वो भी नमाज के मुतल होगा एक और मुक़ाम पर नबी अकरम सल्लल्लाहु सल्हुल वसल्लम ने इरशाद फरमाया असला मिराजुल मराजालमुमिन नमाज़ मोमिन की मेराज है एक और मुक़ाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया असलात मफताहजन्ना नमाज जन्नत की कुंजी है अजीज़ तलबा हजरत अली रज़ी ताला तह का बयान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्हुस आखिरी लम्हात में भी जो क़लिमात आपकी ज़ुबान पर जारी थे वो भी यही थे कि असल असल नमाज नमाज अजीज तलबा इस हदीस मुबारक का मतलब ये है कि जो नमाज कायम करता है वह वो दीनदार है और जो नमाज कायम नहीं करता वह बेदीन है अजीज़ तलब अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इस हदस्य मुबारकों को अच्छे तरीके से याद कीजिएगा अल्लाह ताला मेरा और आपका हम सब कहाँ मुनासर हो अकम व वर्क खुदा हाफिज़